हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में होने वाली जेईई मेंस 2020 और नीट यूजी परीक्षाओं को स्थगित करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने परीक्षाओं के लिए तारीखें जारी कर दी हैं। अब इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और छात्रों के हित में परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से छात्रों के मन की बात सुनने का आग्रह किया है। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा है, कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं, तो भारत सरकार और टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर इसे सत्याग्रह अभियान का नाम दिया है। केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि सारी विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार पर हमलावर हो गई हैं। दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि सरकार परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की जिंदगी से खेल रही है। वैसे विपक्ष तो सरकार के इस फैसले का विरोध कर ही रहा है, लेकिन यहाँ विरोध के स्वर सरकार के अंदर से भी उठने लगे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से अपील की है कि कोरोना को देखते हुए एनईईटी और जेईई जैसी परीक्षाएं दीपावली के बाद कराई जानी चाहिए।